तो कैसे हो सब लोग, क्या स्वागत आपका एक और नए गेम प्ले वीडियो में। सो गाइस, आज हम बहुत दिनों बाद वापस अपनी दुकान खोलने जा रहे हैं, क्योंकि गाइस पिछले एपिसोड में हमने एक कैशियर को हायर करा था जो कि हमारी दुकान अच्छे से चला रहा था। एंड गाइस उस कैशियर की आज हमें पेमेंट वगैरह भी करनी है, एंड गाइस अपने स्टोर को भी भाई आज एक्सपेंड करना है। सो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसने भी तो वीडियो को लाइक नहीं किया गाइस वीडियो को लाइक कर दो, जो भी चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दो फॉर अमेजिंग गेमिंग कंटेंट यार। एंड गाइस बिना किसी देरी के लेट्स गो फॉर द वीडियो। ऑलराइट गाइस, आज हम बहुत दिनों बाद अपने स्टोर पे आ चुके हैं। एंड भाई ये रहा अपना स्टोर, एंड भाई पहले तो इसे यार ओपन करते हैं। एंड भाई ये रहा वो कैशियर जिसको हमने भाई हायर करा था। गाइस कमेंट में मेरे को इसका यार एक नाम बताओ, क्या नाम रखे, चिंटू पिंटू कुछ ऐसा नाम रखो बताओ कोई फनीसा। एंड ये भाई हमारा मिस्टर कैशियर है अभी के लिए, आप उसका एक बार कमेंट में नाम सजेस्ट करना। बाकी भाई आज के हमारे पहले कस्टमर, थैंक यू सर, वेलकम भाई। इनने क्या क्या सामान खरीदा है सर? जितना भी सामान है सब सारा खरीद लो सर। एंड सर ने यार ये क्या लिया है, बोतल वगैरह लिया, जूस बोतल लिया है भाई, सही है यार। एंड गाइस मैं बहुत दिनों से आया नहीं हूँ, शायद प्राइस वगैरह चेंज हो गए हो। ओके जी भाई सारे प्राइस तो सही है भाई एकदम, ओके प्राइस वगैरह तो सारे सही हैं। एंड इन सर ये सर भाई आज के सेकंड कस्टमर है इनको। अच्छा ओ एग्स नहीं है क्या हमारे पास? भाई एग्स लगा देते हैं भाई, पहले तो ये लगाते हैं। अच्छा भाई इसके तम पे काफ़ी सारे स्टॉक है ऑलरेडी, तो इसे रख देते हैं। एग्स वगैरह परचेज करते हैं, भाई एग्स वगैरह को लगाते हैं यार, लेट्स गो। ओके गाइस मैं सोच रहा हूँ भाई दो पैकेट जो है एग्स के परचेस कर लेते हैं, ठीक है लेट्स गो यार। एंड हमारे एग्स कहाँ गए, ये रे भाई एग्स आ गए, चलो इन्हें जल्दी से लगाते हैं भाई फ्रिज में। फ्रिज में लगते हैं ना एग तो फ्रिज में रखे जाते हैं, पर भाई मेरी फ्रिज ऑलरेडी फुल है यार, स्टोरेज ही नहीं है। एंड भाई हम पे अभी इतना पैसा भी नहीं है कि हम एक नया फ्रिज खरीद लें। तो पिछले एपिसोड में मैं दिखाऊँ भाई हमने ये सब कलेक्शन जितना भी आप देख रहे हो ना ये सब परचेस करा था। एंड आज के एपिसोड में हम अपने स्टोर को पूरा एक्सपेंड करेंगे एंड काफी बड़ा करेंगे भाई। तो मैं क्या सोच रहा हूँ एक और फ्रिज बाय कर लेते हैं क्योंकि हम बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं है। एंड भाई ये $375 का है, ठीक है भाई परचेस करो। एंड भाई अपने पूरे डॉलर कट चुके हैं यार, ओ भाई कितना बड़ा बॉक्स आया इसका। चलो इस फ्रिज को कहाँ पे लगाए, फ्रिज को भाई इधर लगा देते हैं, ठीक है परफेक्ट एकदम परफेक्ट भाई जगह पे फ्रिज लग गया है। एंड भाई जल्दी से इसमें अंडे वगैरह को लगा देते हैं भाई हम, ठीक है लेट्स गो यार। भाई शॉप में देखो भाई कितने कस्टमर्स हैं यार, शॉप में गंदगी होनी ही नहीं चाहिए भाई, पता नहीं क्यों भाई मैं गंदगी रख देता हूँ शॉप में। एंड भाई जल्दी से शॉप क्लीन करते हैं, ओके लेट्स गो यार। शॉप हमने क्लीन कर दी, एक डिब्बे को रखने देते हैं। एंड भाई ये लाइन इतनी लंबी क्यों हो गई यार, भाई जल्दी जल्दी करा कर ना काउंटर एंड फाइंडर टी पहले, अरे टी खत्म हो गई है क्या? कोई दिक्कत नहीं है भाई टीवी परचेस कर लेते हैं, कहाँ पे भाई टी 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 ये रहा भाई टी लेट्स गो यार, दो टी नहीं एक ही टी परचेस करते हैं, ठीक है लेट्स गो यार। भाई हम पे तो पैसे ही नहीं है भाई टी के लिए, व्हाट कोई नहीं यार गाइस हमारे पास तो पैसे नहीं है ना टी के लिए, अब हो गए होंगे लेट्स गो यार परचेस कर लेते हैं टी। एंड टी कहाँ गए भाई, ये रही यार जल्दी से लगाते हैं। एंड मैं क्या सोचता हूँ भाई एक और नया प्रोडक्ट लाइसेंस खरीद लेते हैं, क्योंकि भाई हमें बहुत ज़रूरत है भाई प्रोडक्ट लाइसेंस की, क्योंकि बंदों को नया नया सामान भी तो देना है दैट्स व्हाई। एंड जल्दी से भाई इधर भी यार टी लगा देते हैं। और लेट गाइस हमने यार स्टोर में अपने टी भी लगा दिए, एंड इसको भी फेंक देते हैं। एंड भाई स्टोर में अंधेरा हो गया, काफ़ी बंदे आ रहे हैं, तो यार इन्हें ऑन कर देते हैं भाई लाइट को लेट्स गो यार। एंड कुदन फाइन शुगर पाउडर है यार, शुगर पाउडर नहीं है क्या, वेट यार सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, मेरे को एक नया बंदा चाहिए होगा जो कि सारा सामान लगाए। ओके शुगर पाउडर भी ले लेते हैं लेट्स गो यार। ऑलराइट गाइस मैंने शुगर पाउडर भी परचेस कर लिया, इसे भी लगा देते हैं, कहाँ पे लगाएं इसे, इसे यहाँ पे लगा देते हैं नीचे, ठीक है ओके ये लग गया, इसे फेंको। एंड अभी दूसरा वाला शुगर पाउडर लगाते हैं जल्दी से। एंड इधर भी ये लग गया। ओके लेट्स गो यार हमने शुगर पाउडर लगा दिया है। एंड भाई अभी हमारा स्टोर भाई एकदम बेसिक सा है, देख लो बस ये दो शेल्फ हैं एंड ये एरिया यहाँ पे फ्रिज है, तो और अपग्रेड करेंगे भाई अपने स्टोर को आज हम, ठीक है। बाकी इनको क्या नहीं मिला, टर्को इनको सोडा नहीं मिला क्या? ओके ये रहा भाई सोडा, हम पे सोडा भी है भाई परचेस करते हैं ना यार, भाई इतने सारा सोडा यार, भाई कितने टाइप का सोडा है ये, भाई बहुत टाइप के सोडा हैं पर हमने परचेस कर लिए सारे। चलो भाई इन्हें जल्दी से लगाते हैं भाई, ये तो कोको कोला टाइप का है भाई, इसका नाम भाई टर्को सोडा है भाई, अजीब सा नाम है। एंड इनके प्राइसिंग सेट कर लेते हैं पहले तो, हमें इनका मार्केट प्राइस $2.12 चल रहा है, तो हम इसे $3 का बेचेंगे, ठीक है ओके लेट्स गो यार, $3 का सोडा बेचेंगे। एंड अभी इधर क्या है, ये भी टर्को सोडा है क्या, ठीक है लगा देते हैं इसे भी। गाइस हमारे स्टोर में जितने ज़्यादा भाई डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे ना वैरायटी के, जब भी बंदे आएंगे कहेंगे भाई इन पर हर टाइप के प्रोडक्ट हैं, जब भी बंदों को पसंद आएगा यार। एंड अभी इसे नीचे लगा देते हैं यार, इसका नाम पता नहीं क्या है, इसकी प्राइसिंग क्या सेट करें,
इसका ये भी सोड है नॉर्मल, इसका मार्केट प्राइस $2.78 है, इसको $3.5 रखेंगे ठीक है, $3.5 रखते हैं, लेट्स गो यार। भाई ये एक और टाइप का सोडा है, कितने टाइप के सोडा है यहाँ इसमें, लेट्स गो। ये तो भाई स्प्राइट ऐसा लग रहा है कुछ कुछ, ओके ये लग चुका है। एंड इसकी प्राइसिंग क्या रखें, इसका मार्केट प्राइस $2.60 है, इसको अभी $3.5 रखते हैं ठीक है, लेट्स गो यार। और एंड मेरे पे ये बचा, इसको नीचे लगा देते हैं, ओके लग गया, लेट्स गो यार। एंड इसे फेंक देते भाई स्टोर में, भाई बिल्कुल भी कचरा वचरा होना नहीं चाहिए ना, इसलिए ये जितने भी रैपर है सबको फेंक के आता हूँ मैं, ओके। अरे स्टोर भाई इतनी जल्दी, आज का डे भी ख़त्म हो गया भाई यार, इतनी जल्दी। अभी ये कौन सा डे चल रहा है पहले मेरे को देखना पड़ेगा यार, ये डे कौन सा चल रहा है, ओके। और लाइट स्टोर हमने पूरा खाली कर दिया। एंड गाइस देखो भाई किस चीज़ की कमी हो गई, फ्लोर भी है हम पे, पीछे भी तो फ्लोर है ना, यहाँ पे सीरियस है। लाइटिंग वाइटिंग लगानी है भाई, लाइट वाइट कैसे लगेगी, मेरे को लाइट चाहिए इधर। एंड यहाँ पे सीरियस है ठीक है, शुगर पाउडर भी है हमारे पास, पास्ता नहीं है ना, ओके पास्ता ऑर्डर करना पड़ेगा ठीक है, इसमें से पास्ता सेलेक्ट कर लेते हैं भाई कार्ट में। गाइस जो मार्केट है ना वो 9 बजे क्लोज हो जाता है, इसलिए यार हमें यार कल ही ऑर्डर करना पड़ेगा पास्ता। सो अभी मैं क्या करता हूँ, डे को एंड करते हैं। एंड भाई आज हम जरूर से लॉस में होंगे, क्योंकि भाई आज हमने एक नया फ्रिज बाय करा है भाई, तो देखते हैं भाई क्या पेमेंट जाता है आज का। मतलब आज हमें टोटल प्रॉफिट जो है -$73 है गाइस आज का, ये डे 14 था। ओल्ड लाइट गाइस, चलो नेक्स्ट डे भी स्टार्ट करते हैं यार। एंड क्या ये रांस स्लाइस ब्रेड पे और एग के प्राइस बढ़े हैं यार, एग कहाँ है भाई हमारे, ये एग के प्राइस बढ़े हैं क्या, ओ $5.48 हो गए, तो इसे हम 6 कर देते हैं ठीक है, $6 लेट्स गो यार। एंड और क्या था, और शायद ब्रेड पे प्राइस बढ़े हैं, ओ ब्रेड का प्राइस भी कितना रखें, पहले तो स्टोर ओपन करते हैं भाई, ओके आज का भी हमारा स्टोर ओपन जो हो चुका है। एंड ब्रेड के प्राइस कितना रखें, $5.5 रखते हैं ठीक है, ज़्यादा नहीं $5.5। और लाइट लेट्स गो, और लाइट गाइस यार लेट्स गो यार। एंड यहाँ पे बहुत सारा टी है, ऑयल है, स्लाइस ब्रेड भी है, पास्ता खरीदना था ना मेरे को, पास्ता खरीदते हैं लेट्स गो यार, ओके ओके लेट्स गो यार, पास्ता हमने खरीद लिया, जल्दी से लगा देते हैं क्योंकि बंदे आ रहे हैं खरीदने, पास्ता यहाँ पे कम है, ओके सर टी खरीद लो, थैंक यू सर जी। सर आज के हमारे पहले कस्टमर। एंड गाइस डे 14 पर भी भाई ये सेम अंकल आए थे यार, ओके ये सर हमारे स्टोर में सबसे पहले आते हैं, इनको कुछ तो इनाम देना पड़ेगा यार, यहाँ से भी भाई पास्ता उठा के जल्दी से लगा देते हैं, लेट्स गो यार। डिस्प्ले फुल, ओके यहाँ पे लगा दिया, लेट्स गो यार, ओके इन्हें ऑरेंज जूस नहीं मिला, ऑरेंज जूस भाई ख़त्म हो गया, सॉरी सर अभी हम देखते हैं आपके लिए ऑरेंज जूस देखते हैं, आपको ऑरेंज जूस चाहिए, वेयर इज़ द ऑरेंज जूस, ओ ये तो रहा ऑरेंज जूस, चलो इसे भी बाय कर लेते हैं भाई, बहुत पैसा है अपने पास, जल्दी से बाय करते हैं, कहाँ गया ऑरेंज जूस, ये रहा, लेट्स गो यार। ऑरेंज जूस कहाँ पे लगाएं, ऑरेंज जूस के लिए भाई ओके ऊपर लगा देते हैं भाई ऑरेंज जूस, लेट्स गो यार। अभी हमारे स्टोर पे शायद फ्लोर की कमी है, तो पहले फ्लोर खरीद लेते हैं यार, हाँ एक वाटर बॉटल खरीद लेते हैं। एंड और क्या चीज़ है, एक टी, एक मिल्क खरीद लेते हैं, क्योंकि गाइस अगर हम एक एक करके सामान मंगाएंगे ना तो उसमें शिपिंग चार्ज बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक भी सामान मंगाया उसमें $2 का शिपिंग चार्ज लगता है। एंड अगर हम ज़्यादा इकट्ठा सामान मंगाएंगे तो शिपिंग चार्ज भी कम लगेगा, सो लेट्स गो, हमने बहुत सारा सामान मंगा लिया, अरे भाई साहब पूरा सामान गिर गया। एंड यहाँ पे फ्लोर है भाई, फ्लोर हमारा पूरा ख़त्म हो गया है, लगा दो भाई फ्लोर तो, ओके इसमें क्या है, इसमें ओ मिल्क है, इसमें मिल्क है। एंड अभी हमारे पास भाई स्टोरेज ही नहीं है यार, क्या करें, दो फ्रिज हमने खरीद ली फिर भी भाई स्टोरेज नहीं बच रहा हमारे पास, अभी हमारे पास फ्रिज का आइटम बहुत ज़्यादा है, मैं सोचता हूँ भाई और फ्रिज परचेज करनी पड़ेगी शायद से हमें, चलो कोई नहीं भाई, अभी तो हमें स्टोर भी एक्सपेंड करना है तो उसके लिए पैसे बचाने पड़ेंगे। एंड भाई रात हो गई है, स्टोर की लाइट ऑन कर दी, लेट्स गो यार, क्या भाई लगता है अपना स्टोर, छोटा सा एकदम बेसिक सा सिंपल सा स्टोर है, बढ़िया है पर यार। गाइस जो मैंने कैशियर रखा ना भाई बहुत स्लो है, देखो भाई कितने लोग खड़े हुए हैं, इतना धीरे धीरे काम कर रहा है, इसको हटाना पड़ेगा भाई मुझे यार, इसकी जॉब से इसको भाई फायर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये इतना स्लो स्लो काम कर रहा है। एंड भाई इस तरीके से तो भाई मेरे दुकान में लोग ही नहीं आएंगे, क्योंकि भाई इनकी दुकान में तो बहुत भीड़ रहती है, तो लोग आएंगे ही नहीं यार, ओके लेट्स गो यार। मेरे को यार स्टोर के बाहर लाइट चाहिए यार, कैसे लगाऊं मैं, एक बार देखना पड़ेगा वो भाई, जब से ये बंदा आया इसने भाई अपना जो काम है ना बहुत ईजी हो गया भाई, मेन काम कैशियर का ही होता है, एक बार कैशियर मिल जाए ना अपना जो वर्क बहुत ईजी हो जाता है। गाइज अभी कोई आ तो रहा नहीं है, मैं क्या सोच रहा हूँ भाई डे फिनिश कर देते हैं, एंड भाई देखते हैं भाई आज कितना प्रॉफिट हुआ है, ओके आज का हमारा डे 15 था, एंड भाई $514 का भाई प्रॉफिट हुआ है भाई, लेट्स गो यार।
नेक्स्ट डे को स्टार्ट करते हैं। एंड कॉमेट चीज के भाई प्राइस जो है वो बढ़ चुके हैं यार। पहले तो भाई अपने स्टोर को ओपन करते हैं लेस वार, एंड कॉमेट चीज के भाई प्राइस बढ़ गए क्या? हाँ यार इसके तो प्राइस बढ़ चुके हैं, उसको $5 कर देते हैं ठीक है, सीधे $5 कर दिए भाई अपने चीज के प्राइस। एंड वेलकम सर, भाई मैं कह रहा हूँ आपसे भाई तीसरी बार ये बंदा कंटिन्यू आया है भाई, ये हमारे परमानेंट कस्टमर है भाई। अच्छा सर आपको मिल के एक्सपेंसिव लग रहा है यार? नहीं है यार सर भाई, ये हमारे मिल चला गया भाई, ये लौट के भाई परमानेंट कस्टमर था भाई ये। सर कुछ तो परचेस कर लेते भाई। तो ये सर स्वागत है आपका हमारे स्टोर में। तो वो तो चले गए, पर आप आइए एंड आपको हमारे जो प्राइसिंग है बहुत अच्छी लगेगी भाई। मैंने मिल्क महंगा कर रखा है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मिल्क को यार $3 करता हूँ। एंड ओके अब खरीद लो भाई मिल्क, अब खरीद लो यार। सॉरी मेरे भाई जान ही नहीं दिया था, मिल्क बहुत सस्ता हो गया था, मैंने फालतू में इतना एक्सपेंसिव मिल्क कर दिया था। ओ टकले वाले अंकल ने भाई काफ़ी सारा सामान खरीदा है, थैंक यू टकली अंकल, टकलू अंकल भाई, टकलू अंकल है इनका नाम। तो भाई इनका चेहरा देखो भाई कैसा डरावना सा भाई। भाई हमारे एग्स खत्म होने वाले, पहले तो एग्स परचेस करता हूँ। पास्ता कोई भाई ले लेते हैं, एक पैकेट मिल्क का ले लेते हैं, ऑरेंज जूस भी ले लेते हैं, एप्पल जूस भी ले लेते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं बस भाई। $180 का बिल है यार, जल्दी से लेते हैं लेस हो यार। ओके ओ भाई तो गंदे तरीके से आया सामान ही। अपनी सूसू खत्म हो गई, लॉल भाई सूसू भी भाई खत्म हो चुकी है भाई, दो पैकेट और सूसू के ऑर्डर करने पड़ेंगे मेरे ख्याल से। एंड भाई अपने पास $1000 हो चुके हैं भाई, लेस गो यार। एंटर करके भाई आज का डे फिनिश करते हैं, क्योंकि अब मेरे को लग नहीं रहा भाई कोई और बंदा आएगा, लेस गो यार। ओके डे 16 था। एंड भाई आज हमें कितना प्रॉफिट, $550 का प्रॉफिट हुआ है भाई, लेस गो यार। एप्पल जूस की प्राइस कम हो गई क्या? वेट वेट मैं ठीक करता हूँ। एप्पल जूस ठीक है एप्पल जूस भाई परचेस करते हैं ठीक है, लेस गो यार परचेस। नाइस भाई मैंने एप्पल जूस के बहुत सारे पैकेट परचेस करे हैं, ये एप्पल जूस नहीं है, सूसू पाउडर लगा देते हैं भाई। पहले तो बिल वगैरह देखते हैं भाई, बिल वगैरह आया होगा, मैंने इतने टाइम से पे नहीं करा। ओके काफी सारे बिल पड़े हैं भाई, रेंट भी पड़ा यार, इनको भी पे करना पड़ेगा यार। लेट्स गो भाई पे करते हैं, इन्हें भी पे करते हैं भाई। कितना ज्यादा भाई माइनस हो गया यार। एंड गाइस 15 लेवल पे भाई हमको एक रीस्टॉकर मिलेगा, नाइस यार। गाइस मेरे को समझ में नहीं आया प्रोडक्ट लाइसेंस खरीद लूं, क्योंकि अभी हम पे बहुत सारे प्रोडक्ट लाइसेंस आ चुके हैं, या फिर यार हम अपनी ग्रोथ बढ़ा लाइक अपने जो स्टोर को बड़ा करें। तो भाई आज की वीडियो में यार हम बड़ा करने की सोच रहा हूँ भाई स्टोर, क्योंकि प्रोडक्ट लाइसेंस मैंने पिछली वीडियो में खरीदा था, आज भाई अपने स्टोर का बड़ा करते हैं। लेस गो भाई $750 का स्टोर बड़ा हुआ है, एंड भाई तो काफ़ी बड़ा हो चुका है यार। लेस गो यार शेल्फ वगैरह भी परचेस करते हैं, एंड भाई उसमें सामान लगाना शुरू करते हैं यार। लेस गो एक तो ये वाली शेल्फ परचेस करते हैं ठीक है, एंड एक ये वाली शेल्फ परचेस कर लेते हैं। $410 भाई साहब, ओके $410 की दो शेल्फ मैंने परचेस करी हैं, ये इधर लग जाएगी इस कोने में, परफेक्ट तरीके से एकदम शेल्फ लगा दी भाई मैंने यार। लेस गो ओके लेस गो, इसके बगल में भाई मैंने ये शेल्फ भी लगा दी। एंड भाई स्टोर की भाई पहले तो लाइट ऑन करता हूँ, लेस गो यार। लाइटनिंग का क्या सीन है यार, यहाँ पे लाइट ही नहीं है, व्हाट ब्रो लाइट कैसे लगाऊं? वेट मैं देखूं क्या लाइट मिलती है क्या, पेंट फ्लोर भाई लाइट तो है ही नहीं भाई, लाइट कहाँ से ढूंढे भाई। ओके गाइस तो यार डे फिनिश करने का टाइम आ चुका है, लेस गो यार डे को फिनिश करते हैं। ओके भाई आज का भाई -$307 का लॉस है, क्योंकि भाई आज हमने काफ़ी सारे सामान परचेस कर दिए। एंड भाई बायो जूस के प्राइस जो है वो बढ़े हैं, पास्ता के कम हुए हैं ठीक है। बायो जूस ओके इसको भाई $3.5 कर देते हैं आज ठीक है। तो भाई स्टोर को पहले ओपन करते हैं। ओके लेस गो स्टोर ओपन हो चुका है, एंड भाई पहले तो मैं सामान परचेस करता हूँ भाई, कार्ट में तो सारा सामान पड़ा है। ओके परचेस भाई देखो भाई कितना सामान भाई मैंने ऑर्डर कर दिया यार। ऑल राइट गाइस इधर मिलके तो इस वाली शेल्फ में यार मिल्क को लगा देते हैं भाई। भाई ये एक एक तरफ सारी चीज़ रखेंगे ठीक है, कंफ्यूजन होता है वरना बड़ा। तो स्लाइस ब्रेड को हम इस कोने में रखेंगे, सारी स्लाइस ब्रेड एक लाइन से आएंगी ना इस कोने में, तो सही रहेगा। ओके लेस गो यार कॉफ़ी को इधर रख दिया, फेंको एंड वापस से कॉफ़ी। भाई पहले तो मैं लाइट जलाऊंगा भाई पहले स्टोर की लाइट ओपन करते हैं, नाइस। एंड कॉफी को भाई हम इधर ही लगा देते हैं यार। भाई ये क्या हो गया भाई, फिर से भाई एक बंदा अटक चुका है यार, लाइक मतलब पता नहीं लूप में चल रहा है ये, पता नहीं कुछ लेने आया होगा तो अटक गए ना, पता नहीं भाई क्या हुआ है यार। यहाँ पे पूरा टी का स्लॉट है, यहाँ पे पास्ता का है, यहाँ पे सीरस आ जाएगा, यहाँ पे शुगर पाउडर का है, एंड यहाँ पे ऑयल का है, ये पूरा ये सीरस का है, ये मिल्क का एरिया है पूरा, एंड यहाँ पे है ब्रेड, यहाँ पे फ्लोर, यहाँ पे है कॉफ़ी पाउडर ठीक है। एंड अभी इसे फेंक के आते हैं, एंड भाई डे को एंड करते हैं यार। ओके तो भाई ये डे 18 था, एंड भाई आज हमें मिला है -118 का लॉस,
क्योंकि शायद हमने ज्यादा सामान मंगा दिया। अटर का सोडा जो है उसके प्राइस कम हो गए। ओके, ट्यू का सोडा कौन सा, ये है क्या? हाँ, इसके प्राइस भी कम हो गए, इसे वो भाई $2 करते थे ताकि जल्दी बिके। तो भाई फ्लोर वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि हम पे फ्लोर खत्म होने वाला है, ऐसे भी ऑर्डर कर दो। एंड ये भी भाई $200 का सामान है। एंड भाई 10 से ज़्यादा सामान क्यों नहीं मंगा पा रहे हम? एंड इसमें क्या है? ओ भाई गाड़ी ठोक के जा रही थी मेरे को, लैम्बो थी शायद वो। भाई भाई तीन तीन लोग अटक चुके हैं। व्हाट यार, ये क्या हो रहा है? क्या क्या आगे लीच है भाई ये? मैं एक फ्रिज और लेने की सोच रहा हूँ भाई, एक फ्रिज ले लेते हैं। ओके, इन्हें चीज़ चाहिए थी भाई, चीज़ के लिए अटके हुए थे। ओके भाई, जैसे मैं चीज़ लगाई ना, तुरंत भाई ठीक हो गए। ओके भाई, चीज़ भाई आती बिक चुकी है भाई, चीज़ और लेनी पड़ेगी क्या? स्टोर की लाइट जलाते हैं भाई पहले तो। लेस वो यार, लाइट अपने आप बंद कैसे हो जाती है? मैं तो बंद भी नहीं करता स्टोर की लाइट। भाई कितने बंदे हैं भाई इस टाइम, लॉल ने जगह ही नहीं मिल रही भाई। व्हाट भाई, आज के डे को जरिए एंड करते हैं। एंड भाई मेरे को एक फ्रीज चाहिए पहले तो, ठीक है? आज का डे 19 था। एंड भाई आज हमें कितना $674 का भाई प्रॉफिट हुआ है। लेस गो यार। एंड मिल्क का जो प्राइस है वो बढ़ा है, एंड पास्ता का भी बढ़ा है, ठीक है? पास्ता का करते हैं 3.5, जिसका भी प्राइस कम हुआ है इसको $4 कर लेते हैं। ओके भाई, स्टोर को यार जल्दी से ओपन करते हैं। एंड भाई एक फ्रिज ऑर्डर करता हूँ भाई मैं पहले तो। ओके, ये रहा भाई फ्रिज हमने यहाँ लगा रखा था। एंड भाई लेस का फ्रिज आ चुका है अपना। मेरे ख्याल से भाई फ्रिज को इधर की तरफ लगाना चाहिए, इधर मैच करेगा भाई इसके संग एकदम। ओके लेस भाई, फ्रिज में इधर लगा दिया। इधर पहले तो भाई बोतल लगा दे ये वाली। इस वाली फ्रिज में सिर्फ हम ये कोल्डिंग का सामान रखेंगे तो सही रहेगा। सीरियल्स एंड एग खत्म हो चुके हैं। गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ, एक ऐसा एक और कैश काउंटर लगवा दें इधर की साइड, ताकि ये भाई बंदा बहुत स्लो स्लो सामान देता है। यहाँ पे एक और बंदा होगा तो वो भी भाई जल्दी जल्दी सामान देगा, तो उसकी वजह से हम बहुत एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं भाई। गाइस एक प्रोडक्ट लाइसेंस खरीदते हैं भाई। मैं क्या सोच रहा हूँ, ये वाला प्रोडक्ट लाइसेंस खरीदते हैं। लेस हो यार, इस समय काफ़ी सही नई नई चीज़ मिली होंगी। एंड क्या क्या मिला भाई इससे हमें नया नया? ओके, हमें हनी मिल चुकी है, शुगर पाउडर मिल चुका है अलग ही टाइप का। तो सारा सामान भाई एक एक बार भाई ऑर्डर करते हैं, ठीक है? एक दो तीन, ठीक है अभी मैं ऑर्डर नहीं कर सकता, जल्दी से ये लोग चले आए उसके बाद भाई हम ऑर्डर करते हैं। देखते हैं भाई क्या क्या नई नई चीज़ आई हैं मेरे पास। भाई अपना लेवल जो है भाई 14 हो चुका है यार। लेस हो यार, लेवल 14 हो चुका है। 15 तो भाई आज की वीडियो में मुश्किल हो पाएगा क्योंकि भाई बहुत धीरे धीरे बढ़ता है लेवल। लेस को भाई एंड करते हैं भाई पहले तो ये डे आज का। एंड भाई ये डे 20 था। एंड भाई इसमें क्या क्या मिला है हमें? ओके, हमारा जो लॉस है भाई $611 का लॉस हुआ है। कोई नहीं भाई, लेस गो यार, हनी के प्राइस बढ़ चुके हैं। एंड सो गाइस यार देखो, मैंने यहाँ पे पूरा यार ये तीन तीन रेफ्रिजरेटर लगा दिए। एंड भाई ये अपने जो स्टोर है ना इसको भी भाई देखो एक्सपेंड कर दिया। एंड भाई ये शेल्फ खरीद ली। एंड भाई ये देखो इसमें पूरा सामान भर रखा है। एंड भाई एक लाइन में भाई मैंने सारा सामान भी लगा रखा है, जैसे यहाँ पे शुगर पाउडर हो गया, यहाँ पे पास्ता हो गया, यहाँ पे सीजर्स हो गए, यहाँ पे टी हो गई। एंड भाई एकदम मस्त तरीके से भाई शॉप को अपग्रेड करते आ रहे हैं। एंड भाई वेट, भाई मेरे पास रेंट वेंट पड़े हैं, इनको पे करते हैं। ओके भाई, व्हाट, मेरे पास सिर्फ $8 बचे। गाइस मैंने सिर्फ अपने स्टोर को एक्सपेंड करा था एंड थोड़ी बहुत चीजें खरीदी थी। एंड भाई उसी में पता नहीं भाई इतना गंदा लॉस कैसे हो गया। भाई मेरे जो पूरे पैसे थे सारे खत्म हो चुके हैं। एंड पता नहीं भाई आगे क्या होने वाला है, वो सिर्फ आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। हो सकता है भाई स्टोर को भी भाई बंद करना पड़ जाए, हु नोस भाई। एंड गाइस इस वीडियो पे एम करते हैं 25 लाइक्स का। जल्दी से भाई 25 लाइक्स कंप्लीट करा दो, मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए गाइस बी ट्यून्ड, बाय बाय एंड पीस आउट।